रमजान की 29वीं सहरी मुबारक हो। क्या आज चांद रात है? क्या कल ईद होने वाली है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मुझे लग रहा है कि हाँ, कल ईद होने वाली है और आज चांद रात है। चलिए जी, मुझे लग रहा है कि आज लास्ट रोजा है, जो रमजान का लास्ट रोजा है, यानी कि आज 29वीं सहरी है, उसको हम फिनिश करते हैं। और फिलहाल में अभी अभी आपको दिख रहा होगा मेरी आंखों में नींद है, मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि मैंने काम किया है सोफ पर अपनी। और फिलहाल आ गया हूँ, मैंने आज हेयर कटिंग करा ली है अपनी और सोच रहा हूँ अब रेस्ट कर लूँ खाना खा के, क्योंकि इस समय और टाइम बचा है लगभग, इसमें सारी का जो वक्त खत्म होने में लगभग आधा घंटा के करीब। तो गाइस देख लेते हैं जो हमारे दस्तरखान है उस पर खाना क्या है। आज भी काफ़ी नॉर्मल खाना है क्योंकि कई दिन हो गए मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है कुछ भी सामान लाने का, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हूँ अपने काम में। तो चलिए देख लेते हैं दस्तरखान पर चलकर, चलते हैं। तो बाय द वे गाइस, जो हमारी सारी का खाना है यही आज नॉर्मल से खाना है, इसमें काफ़ी चीज़ मिस कर रहे हैं आज हम, बहुत कुछ मिस है। डेट्स नहीं है और भी बहुत कुछ नहीं है, कर्ड नहीं है, लेकिन आज मैं पपाया फिनिश करूंगा। और ये जो मिल्क है और ये रोटियां, इसको भी खाता हूँ। जो ये हमने आज सब्ज़ी बनाई है, ये कद्दू की सब्ज़ी है जिसको आप सीताफल के नाम से भी जानते हैं। तो चले गाइस, इसको हम फिनिश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि लगभग 25 मिनट का टाइम बचा है सहरी का वक्त ख़त्म होने में। तो फाइनली गाइस, जो हमारी सहरी का खाना है वो हमने फिनिश कर लिया है और हम आपसे मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, तब तक रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है और हमें कल पूरा दिन काम करना है और रात को भी काम करना है, तो इसलिए रेस्ट भी जरूरी है लगभग 3 या 4 घंटे का, तो रेस्ट करते हैं। और गाइस अलविदा जुमा है, फिलहाल आ गया हूँ मंदारिस में, यहीं पर जुमा पढ़ते हैं चलते देखते हैं, काफ़ी बिजी हूँ व्लॉग बनाने में। तो फाइनली गाइस, जो आज की हमारी तरीका जो खाना है, आज मैंने केवल नॉर्मल सा खाना लिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कुछ भी खाने का, क्योंकि आज काम ज़्यादा है जो मेरी शॉप पर, क्योंकि आज चांद रात है ना, उसकी वजह से आज काम ज़्यादा है शॉप पर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, केवल यहाँ पर चिप्स लिया है, इसमें से भी एक इन्जॉय करूँगा और यहाँ पर केवल स्टिंग है और इसको इन्जॉय करते हैं कुछ देर के बाद, क्योंकि समय बचा है लगभग 3 मिनट का और इफ्तारी में। दरअसल क्या है ना, आज ना रोजा बिल्कुल भी नहीं लगा है, इसकी वजह या तो ये होगी कि मैंने आज पूरे दिन काम कंटिन्यू किया है, जरा सा रेस्ट नहीं लिया है मैंने। आज जो मेरा वर्क है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है आज की तारीख में। और गाइस, रमजान शुरू हुआ था कि कह रहे थे कि कलर हो जाए और आज कह रहे हैं कि ख़त्म भी हो गया, इसलिए क़यामत भी जल्दी इसी तरह से आएगी, जल्दी जल्दी दिन जाने की यही वजह है कि क़यामत जल्दी आने वाली है। इसी तरह से हमने जो पहला जुमा पढ़ा था वो पढ़ा दारुल उलूम देवबंद में, और दूसरा पढ़ा था हमने दिल्ली जामा मस्जिद, और तीसरा पढ़ा था हमने सरहिंद पंजाब, और चौथा जुमा पढ़ा था हमने गाइस कलियर शरीफ में, और पाँचवा पढ़ा है अपने घर पर। हो गया ना एकदम से फटाक देसी, सब कुछ ऐसे हो रहा है, तो इसलिए ज़िंदगी को सोच समझ के गुजारिए। आज ना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने का ही मन है, इसलिए मेंटेन ड्यू। तो फाइनली गाइस, फिलहाल ना लगभग 11:15 बजे है और मेरे पास ना फिलहाल भी कुछ भी टाइम नहीं है। तो फाइनली गाइस, फिलहाल बजा है लगभग 11:15 का टाइम हुआ है और मुझे ना आज पूरी रात ऐसे जागना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल भी काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ऐसा ही होता है जब भी कोई त्यौहार होता है तो ऐसा ही होता है। तो गाइस मैं सॉरी जाता हूँ, वापिस जाता हूँ, मैं ना अच्छी तरह कैसे जो लास्ट के 3-4 रोजों के वो लोग गए हैं ना, अच्छी तरीके से नहीं बना सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये गारंटी लेता हूँ और वादा करता हूँ आपसे, ईद के बाद ना एक से एक लोग आएगा, पक्का आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से वादा करता हूँ और आपसे भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला, पक्का अच्छे से अच्छे भी लोग आएंगे। तो सारे रोजे हो गए, गम भी होता है और खुशी भी होती है, क्योंकि ईद की खुशी तो सभी को होती है ना, गम किस चीज़ का, रोजे थे आए थे और हमने रखे हैं, अल्लाह का कहा वादा पूरा किया है, तो इसमें तो अच्छी बात है ना। तो ईद को एंजॉय कीजिए अच्छी तरीके से, मिलता हूँ आपसे कल ईद उल फितर के खाने हैं, देखते हैं क्या क्या डिश बनी है घर पर, वो तो कल ही जाकर मुझे पता लगेगा घर पर जाकर। तो भाई मिलते हैं कल से ईद उल फितर में, उधर के लिए जाएँ, आप इस बार टेक केयर, और हाँ अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और जो मोटरसाइकिल है ना ईद उल फितर में ना, एक तो बहुत कम भगानी है, संभल के चलना है बिल्कुल, ठीक है जी। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।